हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक और सिद्धांत पढ़ेंगे। आज हम लोग हार्टलैंड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इस सिद्धांत को सर हाफोर्ड मैकाइंडर ने दिया था, जिन्हें फादर ऑफ ब्रिटिश ज्योग्राफी भी कहा जाता है। वे एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे और 1910 से 18 के बीच में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे ब्रिटेन में। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि ब्रिटिश एम्पायर का अंत नज़दीक है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वे एक पॉलिटिकल ज्योग्राफर थे और उन्होंने ब्रिटेन की ज्योग्राफी के बारे में अपना कंसर्न शो करते हुए और ये देखते हुए कि ब्रिटेन का जो भूगोल है उसमें कुछ कमियां हैं, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। मैकाइंडर के सिद्धांत को 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रयोग किया गया और इसके माध्यम से ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने इतने ज़्यादा शस्त्र क्यों बनाए या न्यूक्लियर वेपन को उन्होंने क्यों बढ़ाया। इसमें कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो आर्म्स रेस थी उसको वेस्टर्न कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ब्रिटेन एक नेवल पावर था और अपनी नेवी की वजह से वह पूरे विश्व पर शासन कर रहा था। एक ज़माने में कहा जाता था कि ब्रिटेन सी पर राज्य करता है, समुद्र पर राज्य करता है, और मैकाइंडर ने ये स्पष्ट किया, ये उन्होंने रिकग्नाइज किया कि अब आगे जो समय होगा उसमें सी पावर और लैंड पावर के बीच में एक द्वंद्व उत्पन्न होगा। उन्होंने जो एक वर्ड का मॉडल प्रपोज किया, वर्ड मॉडल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने वैश्विक स्तर पर लैंड एंड सी इनके बीच के रिलेशन को बताने का काम किया था, और उन्होंने पूरे यूरेशिया को आइडेंटिफाई किया एक पिवट एरिया के तौर पे या एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र के तौर पे, और उन्होंने कहा कि ये नेचुरल सीट ऑफ पावर है। तो इसके अंदर, यूरेशिया के अंदर उन्होंने कहा कि सेंट्रल साइबेरिया और साथ ही साथ सेंट्रल एशियन जो माउंटेन्स हैं उनका उत्तरी भाग इसमें आ जाता है, और इसको उन्होंने कहा कि ये जो विश्व का हिस्सा है वहाँ तक नेवल पावर से नहीं पहुँचा जा सकता, वो समुद्र से दूर है और उसको समुद्र से नहीं पहुँचा जा सकता, और इसलिए वो ब्रिटिश मिलिट्री की रीच से बाहर है। आगे जाकर 20वीं सेंचुरी का जो अर्ली पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के और भी बहुत सारे साधन विकसित हो गए थे, रेलवे का विकास हुआ था, लैंड के जरिए से जो रास्ते थे उनका विकास हुआ था। ऐसी स्थिति में अब जो लैंड बेस्ड पावर्स थी वो भी अब मोबिलाइज हो सकती थी, शक्तिशाली हो सकती थी, ऐसा उनका कहना था। एंड दैट विल बी अ चैलेंज टू ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि ब्रिटेन तो नेवल पावर की वजह से ज़्यादा शक्तिशाली बना था, लेकिन अब उसको जो लैंड पावर है वो भी अब चैलेंज कर सकती है, ऐसा मैकाइंडर का मानना था। वो कहते हैं कि जो बैलेंस है, संतुलन है सी पावर और लैंड पावर के बीच में, वो धीरे धीरे किसकी ओर झुक रहा है, सी पावर की ओर झुक रहा है, और
ये भी उन्होंने कहा कि ग्रेजुअली क्या होगा कि जो लैंड पावर है वो नेवल पावर के द्वारा जो डोमिनेटेड एरियाज हैं उस ओर वो बढ़ेंगी और वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर सकती हैं। मैकाइंडर ने जो पाइवट एरिया के तौर पे जिस क्षेत्र को रिकग्नाइज किया था वो मान रहे थे कि अब जो लैंड पावर्स हैं वो उस पाइवट एरिया पर नियंत्रण करने लगेंगी और इस तरह से वो अपनी शक्ति को बढ़ाएंगी। और जिस समय ये स्टडी दी गई उस समय रशिया का शासन था उस यूरेशिया के उस भाग पर और सेंट्रल एशियन माउंटेन्स के नॉर्दर्न हिस्से पर, जिसकी चर्चा मैकाइंडर पाइवट एरिया के रूप में करते हैं। आगे जाकर मैकाइंडर 1919 में ये एक अपना भय प्रकट करते हैं कि जर्मनी और रूस के बीच में संधि हो सकती है और वो जो पाइवट एरिया जिसको इस समय वो हार्टलैंड का नाम देते हैं कि वो उसकी तरफ बढ़ सकते हैं और मिलकर उस पर शासन करने की कोशिश कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि 1939 में ये बात काफ़ी हद तक सही भी हुई जब जर्मनी और रूस ने मिलकर पोलैंड पर कब्जा करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ कर दिया। मैकाइंडर ने जब अपना सिद्धांत दिया हार्टलैंड का तो उसमें उन्होंने रेलवे के विकास को तो कंसिडर किया था लेकिन एयर पावर के विकास को उन्होंने कंसिडर नहीं किया था और इसीलिए 1945 के बाद भी इस सिद्धांत को उपयोगी माना गया। ये आश्चर्य की बात है क्योंकि 1945 के बाद तो एयर पावर ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी। इनफैक्ट तो विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही जर्मनी ने अपनी एयर पावर के जरिए से ही जो बढ़त बनाई थी यूरोप में उसको इतिहास में पढ़ा जाता है। तो USSR की जो सक्सेस थी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उसके लिए हार्टलैंड सिद्धांत का प्रयोग करना थोड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में USSR की सफलता और उसके पश्चात उसके द्वारा अपनी शक्ति को जिस तरीके से बढ़ाया गया और उसने हार्टलैंड जो पाइवट एरिया की बात की गई थी मैकाइंडर के द्वारा उसने वहाँ पर अपना नियंत्रण बनाया। हम जानते हैं कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर सोवियत संघ के द्वारा अपने जो कम्युनिज्म की पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट किया गया और USSR बना ही था ऐसे बहुत सारे रिपब्लिक से जो सेंट्रल एशिया और पूर्वी यूरोप में आते हैं। और हम जानते हैं कि USSR यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत सारी जो पूर्व यूरोपीय देश थे कंट्रीज थी वहाँ पर जैसे बुल्गारिया या पोलैंड या चेकोस्लोवाकिया स्लोवानिया इत्यादि यहाँ पर कम्युनिज्म स्थापित हुआ था यानी USSR का जो पावर स्ट्रक्चर था उसको सफलता मिली थी। मैकाइंडर का सिद्धांत उस समय आया जब ब्रिटिश एम्पायर एंड हो रही थी ख़त्म हो रही थी बिकॉज 1945 के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन अब ग्रेट ब्रिटेन नहीं रह गया था और उसके साम्राज्य का अंत हो गया था। लेकिन मैकाइंडर का सिद्धांत 1945 के बाद अमेरिकन्स ने यूज़ करना शुरू कर दिया और उन्होंने इसका प्रयोग कोल्ड वॉर के दौरान बैलेंस ऑफ पावर को USSR के विपक्ष में करने के अपने जो गोल्स थे उनको जस्टिफाई करने के लिए किया। यानी उनका कहना था कि जो USSR है उसके द्वारा पाइवट एरिया को कंट्रोल किया जा रहा है और ये एक थ्रेट होगा बैलेंस ऑफ पावर के लिए और इसलिए शस्त्रों को बनाना आवश्यक है, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना आवश्यक है उसके द्वारा। तो उसने अपने आर्म्स रेस को और अपनी इस पॉलिसी को कि डोमिनेशन ऑफ सोवियत यूनियन को रोकना ज़रूरी है, इन दोनों को उसने जस्टिफाई किया मैकाइंडर थ्योरी के आधार पर। तो हम देखते हैं कि 1947 में मैकाइंडर की डेथ के बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स
की मिलिट्री के लिए कोल्ड वॉर प्रॉफिट बन गए, और जहां हम देखते हैं कि मिलिट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था अब वो रेलवे की तरफ चला गया था, और साथ ही साथ रेलवे से भी आगे बढ़ते हुए वो अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी चीज़ों पर पहुंच गया था, यानी अब महाद्वीपों के बीच मार कर सकने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उनका इन्वेंशन हो गया था, उनका आविष्कार हो गया था। तो एक इस सिद्धांत ने हेल्प किया यूएसए को कि वो अपने जो आर्म्स रेस थी, जो स्टॉक पाइलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स था, उसका उसके लिए वो मैकाइंडर के सिद्धांत का प्रयोग करें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर हाफोर्ड मैकाइंडर 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली ज्योग्राफर थे, या कहिए कि राजनीति और भूगोल दोनों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे।